नमस्कार, स्वागत है मेरे बिहार में स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेंस सूत्र कैसे साबित करेंगे उसको काफी बेटर तरीका से बताऊंगा कि लेंस सूत्र कैसे साबित करेंगे। दर्पण सूत्र मैं बता दिया हूँ, आज बताऊंगा लेंस सूत्र कैसे साबित करेंगे काफी बेटर तरीका से। देखते हैं, क्वेश्चन है लेंस सूत्र सिद्ध करें। तो क्या होता है, वन बाई एफ बराबर वन बाई वी माइनस वन बाई यू, यही प्रूफ करना है ना। प्रूफ दैट, है ना, ये सिद्ध करना है। वन बाई एफ बराबर वन बाई वी प्लस वन बाई यू, कितना बेटर तरीका से सीखिएगा वो आपके ध्यान पे जाता है, और वीडियो लास्ट तक देखिएगा समझ में आएगा। सबसे पहले तो सिद्ध करने के लिए फिगर बनाया जाता है, तो मैं पहले बना लेता हूँ फिगर। ये मैं फिगर बना लिया, यहाँ पे ओ आप जानते हैं, यहाँ पे एफ वन होता है और यहाँ पे होता है टू एफ वन, जानते हैं ना आप लोग, इतना तो जानकारी होगा। यहाँ होता है एफ टू और यहाँ मैं मान लिया टू एफ टू। क्या कोई वस्तु मैं ए भी रखा यहाँ, ए अच्छा सा बना देता हूँ, ए और बी कोई वस्तु रखा और यहां से जब किरण जाएगी समांतर तो ये फोकस से होकर गुजरेगा, गुजरेगा ना, अरे भैया गुजरेगा देखिए, और ये यहां से जाएगा तो ऑप्टिकल फाइबर्स इसको बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से जब गुजरता है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाता है, सीधे चला जाएगा। तो आपका बना यहाँ पे, तो ये जो बना बी डैश ए डैश हो गया, फिगर आपका बन करके तैयार हो गया। अब बनाना काफी इजी हो जाएगा अगर इस पर एक लंब डाल देते हैं, एम लंब डाला है ना, इसको मान लिया मैं एम। तो लेंस सूत्र सिद्ध करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमको दो त्रिभुज को समरूप करना आता है, और समरूप के शर्त लिख करके एलएचएस बराबर कर लेंगे, आरएचएस से आ जाएगा आपका मान। तो चलते हैं, दो त्रिभुज कौन कौन समरूप होगा, एक होगा त्रिभुज ए बी ओ, उसी प्रकार से हो जाएगा ए डैश बी डैश ओ, दोनों एक ही है ना, इस प्रकार से ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप होगा। तो क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी ओ समरूप है त्रिभुज किसके, अरे सबसे पहले तो ये त्रिभुज हो जाएगा किसका, ए डैश बी डैश और ये किसके, ओ के, ये समरूप होगा ना, समरूप के शर्त होगा ना। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि जब समरूप होता है तो समरूप का शर्त क्या होता है, ऊंचाई और ऊंचाई का अनुपात कर लीजिए, तो क्या होगा ए बी अनुपात ए डैश बी हो गया, बराबर होगा आधार आधार के अनुपात के, आधार क्या है ए हो, इसका आधार क्या है ए डैश हो गया ना, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर वन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को जानकारी है यहां से यहाँ की दूरी वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, यू कहते हैं, मतलब कि आप क्या लिखिएगा ए ओ बराबर क्या माइनस यू, बाएं तरफ है, और क्या लिखिएगा ए डैश ओ प्लस बी एफ, इसको मानते हैं
OF क्या बनेगा? प्लस F। इतना अगर जानकारी है तो बनाने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, है ना। चलते हैं, दूसरा त्रिभुज आप समरूप कीजिए, एक तो हो गया, आप एक और त्रिभुज समरूप कर लीजिए। तो आपको दिखाई दे रहा है MOF2 A'B'F2, ये देखिए डमरू की तरह है ना, इस तरह से ये त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज दोनों क्या है? समरूप है। तो लिखेंगे क्या? MOF2 समरूप है किसके? A'B'F2 के। दो त्रिभुज समरूप हो गया, तो समरूप का फिर से शर्त लगा दीजिए। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऊंचाई क्या लगा? MO, और इसका ऊंचाई क्या आ जाएगा? इस त्रिभुज का A'B'। इसका आधार क्या जाएगा? OF2, मैं लिख दिया OF2। और इसका क्या जाएगा? A'F2, A'F2। आधार आधार का अनुपात हो गया कि नहीं? समरूप का शर्त भी हो गया। अब दोस्तों दिमाग लगाना है, या एमओ को उठा करके अगर ले जाइएगा यहाँ, तो एमओ और AB आपस में क्या होगा? बराबर होगा ना, दोनों तो बराबर होगा, दोनों समांतर रेखा पर खींची गई लंबाई प्रत्येक जगह क्या होती है? बराबर। तो एमओ को मैं AB लिख सकता हूँ, तो लिख दीजिए AB बटा A'B' बराबर OF2 बटा A'F2। अब आपको इक्वेशन, इसको मान लीजिए आप सेकेंड इक्वेशन मान लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम अच्छे से समझिए। आपको दिखाई दे रहा है इक्वेशन 1 और 2 में LHS बराबर है ना, बराबर LHS, तो RHS भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं क्या इक्वेशन, यार हाँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या होगा? LHS बराबर है, तो RHS आपस में बराबर हो जाएगा ना, तो आप लिख दीजिए RHS बराबर, तो क्या हो जाएगा? AO बटा A'O, इस तरह से कर लो। चलिए हो गया, इसका RHS क्या है? OF2 A'F2 कर लीजिए, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम होगा दोस्तों पूछ सकते हैं कमेंट करके कि मुझे प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे, कैसे हुआ। अब देखिए, अब मान रखना इससे AO का मान क्या है? U है, तो मैं लिख दिया ये तो है ना इसमें मान। चलिए दोस्तों एक चीज देख लीजिए, AO का भी मान है, A'O का भी मान है, OF2 का मान है इसमें। OF2 को मैं क्या बताया था? OF2 इसको कर लीजिए, OF2 को क्या कीजिएगा? F है। अब A'F2 का मान तो नहीं है, इसको पहले बदल लेते हैं तब बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे? पहले तो देखिए जो जो मान है उसको हटाने दीजिए, जो जो मान अगर दिया है उसको तंग मत कीजिए, जो मान नहीं आ रहे हैं इसमें, A'F2 कहीं है इसमें नहीं ना है, तो अपने से बनाएंगे। इस बड़ा लाइन में से यहां से यहां तक में से OF2 काट लेंगे, बोले तो OA' में काट के हटा लेना है OF2, तो बचेगा A'F2, बचेगा नहीं, यही ना बचेगा, तो कर लीजिए। बड़ा लाइन क्या है? A'O, यहां से यहां काट के हटाना है किसको? OF2 को, माइनस OF2 को काट के हटा लीजिएगा, तो बचेगा A'F2, A'F2 तो बदले में आ गया। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, माइंड दौड़ाइए, आपका पूरा मान यहां से भर दीजिए, निर्देशांक चिन्ह से बोलते हैं इसको, निर्देशांक चिन्ह से मान रख दीजिएगा, पुट कीजिएगा, वैल्यू आएगा। चलते हैं, मान रखते हैं, मान तो रखते हैं पहले। AO का मान क्या है? -U, मैं रख दिया। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों, प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं, है ना। A'O देखिए, A'O क्या माने हैं? B माने हैं प्लस में। आप देखिए OF2, OF2 को क्या बोलते हैं?
फोकस बोलते हैं, तो भाई प्लस में होगा, दाहिने साइड है तो ए डैश ओ, ए डैश ओ, ए डैश ओ को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं ना भाई, यहां से यहां को क्या बोलते हैं, बी। माइनस ओ एफ टू, ओ एफ टू को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, ओ एफ टू को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, तो आप एफ लिख दीजिए। अब का पूरा आ गया, तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, गुना करने से क्या होगा, इसमें इससे गुना कीजिएगा तो माइनस यू वी, फिर इसमें इससे तो माइनस माइनस क्या जाएगा, यू वी यू एफ, इसमें इससे गुना कीजिएगा तो क्या जाएगा, वी एफ। आपको दिखाई दे रहा है क्या किया जाए, इसमें दोनों तरफ ये इक्वेशन मान लीजिए आप, इक्वेशन क्या मानिएगा, थर्ड मान लीजिए, थर्ड में यू वी एफ से भाग कर देते हैं आप, क्या करेंगे, भाग कर लेते हैं, इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन थर्ड में यू वी एफ से भाग देने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, भाग देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, दोनों तरफ भाग कर लीजिए, यू वी एफ प्लस ये तो है, ये है यू वी एफ बराबर, ये तो आपका वी एफ है, इसमें भाग कर दो यू वी एफ से, आप दोस्तों कटा देना है, कुछ नहीं करना है, बस कटा देना है, इससे ये कट गया, इससे यह कट गया, इससे यह कट गया, बच क्या गया, जो बच गया वही आपका प्रूफ हो जाएगा, अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछे। हो गया, वन बट्टा भी बचा हुआ, भी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां देखिए थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं, आप इसको इधर ला दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, वन बट्टा भी तो है ये है, या इधर आ जाएगा वन बट्टा यू बराबर आ जाएगा क्या, वन बट्टा एफ, यही आपका लेंस सूत्र प्रूव हो गया, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाषा क्या है, भाषा अपना से लिख सकते हैं, माना कोई एक उत्तल लेंस है जिसके प्रधान अक्ष पर ये भी कोई वस्तु रखी गई है, लेंस से परावर्तन के बाद उस वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, उसके बाद मान लीजिएगा ए ओ बराबर माइनस यू, ए डैश ओ बराबर भी, ओ एफ टू बराबर एफ, मान लीजिएगा, माना कि कर लीजिएगा, अपना कैलकुलेशन पूरा दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया हूँ, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो दोस्तों फिर से मैं एक नया टॉपिक लेके आऊंगा, काफी बेटर तरीका से मैं समझाता हूँ, दिक्कत नहीं होगा आपको, कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे वीडियो में अगर अच्छे से देखिएगा, कोई भी सिद्ध करने वाले टॉपिक हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैं अच्छा तरीका से प्रूव करूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो को क्या करना है, इस वीडियो को अगर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा तो आप दोस्तों को भी फायदा होगा, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करें ताकि आपके दोस्त फ्रेंड सभी को मिल पाए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।